स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का ये जो नल है इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा यहाँ से हमेशा लीकेज की प्रॉब्लम्स आती है। कुछ टाइम अगर पहले देखा जाए तो हम लोग के घर में इस टाइप के नल जो कि आपको कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाता था, कुछ इस टाइप के नल मिलते थे, इसी डिजाइन में प्लास्टिक का भी मिल जाता था, बट अब हर जगह आपको नॉर्मली देखने को मिलता होगा कुछ इस टाइप का नल। अब ये जो है नल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसका जो नल जो है इसमें वॉशर लगा होता है जो कि एक नॉर्मल हार्डवेयर के दुकान में कहीं पे भी आपको 5 रुपए में नॉर्मली आपको मिल जाता है, बट इसमें जो है यह एक स्पैंडल यानी कि जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं, डिस्क बेस नल है जो कि इसके अंदर में कुछ इस टाइप का लगा रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, आप लोग ने देखा होगा नल जो हमारा यह है कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है, इसके अंदर में एक यह नल रहता है, साथ में एक यह की भी होता है जिसको हम लोग एलन की बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे एक ट्यूब होता है। आपको किसी भी डिजाइन का जो नल है, जैसे आप लोग पीछे देख रहे होंगे ये स्वाइन नेक जो है, इसमें भी सेम यही प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको उसको ओपन करके दिखा दूंगा। तो हम लोग इसका पीछे का ये जो ट्यूब है ये रबर टाइप का रहता है, किसी किसी में मेटल भी रहता है, तो ये हम लोग ओपन कर लेंगे। उसके बाद में एक अंदर में स्क्रू रहता है जो कि हम लोग इसके हेल्प से खोल सकते हैं। ये मेन एलन की इसी को खोलने के लिए रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे फंसा के घुमा के खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं जो कि स्क्रू है कुछ इस टाइप का। अब इसके बाद में हम लोग इसका सिंपली इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे और ये हम लोग का कवर निकल गया, ये जो कि मेटल का है। अब इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसी को हम लोग डिस्क बोलते हैं, कई लोग इसको स्पैंडल भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नट का निशान है, यहीं पे हम लोग का प्लायर जो होता है यानी कि पिलास यानी तो आप रिंच भी ले सकते हैं, स्लाई रिंच भी जिसको बोलते हैं, उसके मदद से आप लोग इसको खोल के, और सिंपली ये जब खराब होता है तो ये रिपेयर नहीं होता है, आप इसको निकाल के ये आप ऐसे वेस्ट में जाता है, उसके बदले में आप लोग मार्केट में ये आप खरीद के और ये वाला निकाल के आप लोग ये लगा के इसको टाइट अच्छे से कर दे, देन उसके बाद में दोबारा कवर इसको आप लोग ऐसे लगा दे। यहाँ पे आप लोग इसको सामने से देख ले कि ये सीधा लग रहा है या हल्का सा बैंड है, तो आप लोग इसको ऐसे दोबारा उठा के और यहाँ पे ऐसे बैठा के, देन उसके बाद में इसमें आपको एलन की जो है इसमें आपको ऐसे लगा के ऊपर में नट और यहाँ पे आपको टाइट करके इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब ये जो है हम लोग का टाइट हो गया है, देन उसके बाद में यह जो ट्यूब है यह ट्यूब इसमें हम लोग लगा देंगे, देन उसके बाद में ये जो है हमारा थ्रेड है यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगा के उसके बाद में जो हम लोग का ब्रास एल्बो होता है उसमें इसको हम लोग टाइट कर देते हैं, जिसके बाद में जो लीकेज की प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस नल का, तो इस नल में सिंपली आपको एक छोटा सा वॉशर रहता है जो कि चेंज आप लोग कर देते हैं यहाँ पे इसको खोल के, जो कि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कैसे इसको ओपन करते हैं। इसका एक वॉशर आप लोग चेंज कर देंगे, वो चीज एक नॉर्मली कहीं पे भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में 5 रुपए का मिल जाता है वॉशर। चेंज करने के बाद में ये भी जो इस नल में प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे लीकेज की प्रॉब्लम आती है वो आपका ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।